148 करोड़ जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है 148 करोड़। हम कह सकते हैं डेढ़ अरब, कितना अरब, डेढ़ अरब के आसपास है, ठीक है। तो इतना जनसंख्या, लेकिन 543 क्या है, सांसद है। ये बढ़ाया जाएगा, कब बढ़ाया जाएगा, 2026 तक, 26 के बाद, अभी तो 24 है, 2024 है ना, इसके बाद, ठीक है। एवं जब बढ़ाया जाएगा, जब सीट बढ़ाए जाएंगे, जब सीट बढ़ाए जाएंगे तो 2001 की जनसंख्या पर बढ़ेगा, 2001 की जनसंख्या पर बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आई बात समझ में, 84वां समझ गए। अब समझिए 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में, कब हुआ था, 2002 देखें मोबाइल, यहाँ लाइए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें देखिए, इसमें शिक्षा का बात है, रखिए वहीं पर, इसमें शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया, किसमें जोड़ा, प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया है, प्राथमिक शिक्षा को कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002, यही ना है इसमें, 86वां संविधान संशोधन 2002। अब समझिए बातों को, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया है, देखिए शिक्षा का जो बात है, शिक्षा का बात डीपीएसपी में, सब ध्यान से देखिए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी का चर्चा है, किसका चर्चा है, किसका चर्चा है, डीपीएसपी का नहीं बाबू, डीपीएसपी में प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है, यहीं से निकाल करके मूल अधिकार में जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया है, मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क, 21 का क में जो जोड़ा गया है, ये यही संशोधन के माध्यम से 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो किया गया था, है ना, तो इसमें क्या किया गया है, प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया है डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 से लिया गया, एवं मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 में रख दिया गया, एवं रुकिए, यही संशोधन के तहत मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य की अगर बात करें, मूल कर्तव्य के 11वां कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा का है, किसका है, किसका है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का है, कौन सा है, क्या है प्राथमिक शिक्षा का, ये है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इधर कोई दिक्कत है समझने में, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसमें है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, संशोधन इसे हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। 86 के बाद और महत्वपूर्ण बताइए, क्या आप लोग को लिखवाए थे, 97 दांत का दिखा रहे हैं, सही से रहिए सब, तो एमबी समाप्त हो जाते हैं तो लिंक करवा दिया कीजिए, आप लोग अजीब है क्या, मतलब आप आ रहे हैं तब इन सब चीज का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, तो तभी मतलब नहीं रिकॉर्डेड हुआ होगा, समझिए बातों को, 104वां संविधान संशोधन यानी कि 104 अमेंडमेंट एक्ट, 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, क्या है इसमें, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ रोहित कुमार चेक कीजिए, टेक्नीशियन उसमें है आप, ठीक से दिखा रहा है, वीडियो का क्वालिटी नहीं काफी खराब आ रहा है, तो आपको मतलब देखना चाहिए क्या दिक्कत है। 104वां संविधान संशोधन 2020 की अगर बात करें, एससी एसटी का आरक्षण 2020 से 2030 तक बढ़ाया जाएगा, 2020 से 2030 तक बढ़ाया जाएगा, 2020 से 2030 तक,
ठीक है, देखिए कैसा आ रहा है। उसमें ऑप्शन भी नहीं थे,